आज मैं आपके समक्ष एक ऐसी चीज ज्योतिष के संबंध में रख रहा हूँ जो आप स्वयं अपने ज्ञान के आधार पर या जो मैं कहने जा रहा हूँ उसको सुनकर के अपने दिमाग में रखें। आप अपनी राशि का स्वभाव स्वयं ही समझें या दूसरे की राशि का स्वभाव आप जब समझ में आ जाएंगे तो आप जो है उसके व्यवहार का जो प्रक्रिया है वो राशि का स्वभाव के अनुसार अपने आप समझ करके व्यवहार कर सकते हैं। क्या होता है, हम किसी व्यक्ति से जब व्यवहार करते हैं तो अब हम लोग तो ज्योतिषी हैं तो इसलिए हमको ज्ञान है कि इस राशि का स्वभाव ये है इसका, लेकिन आप स्वयं इसका ज्ञान कर लें कि सामने वाले की ये राशि है और आपकी राशि ये है तो आपकी राशि से सामने वाले का स्वभाव स्वरूप क्या होगा तो जिसमें आपका व्यवहार बहुत समय तक चलता रहे। कभी कभी क्या है कि व्यवहार थोड़े समय चलता है और बिगड़ जाता है, क्योंकि हम उसका स्वभाव स्वरूप को नहीं समझ पाए हैं। स्वरूप तो हम देख रहे हैं लेकिन अंदर के स्वभाव को नहीं समझ पा रहे हैं। आज से मैं वो ज्ञान देने जा रहा हूँ आपको कि आप उसकी राशि को समझ करके आप उससे व्यवहार उस ढंग से कर सकते हैं। देखिए मेष राशि से राशियाँ प्रारंभ होती हैं और सूर्य आदि जो नौ ग्रह हैं वो नौ ग्रह भी जो है तो सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु शनि ये सब नौ ग्रह हैं। तो इस क्रम से मेष राशि राशियों की श्रृंखला में एक नंबर की राशि है। अब ये राशि का पहले स्वभाव समझें कि मेष यानी मेंढा जो भेड़ों के आगे आगे चलता है, जो ऐसे सिंह वाला, और वो आगे चलता है पीछे सारी भेड़ चलती हैं। तो एक कहावत है ना, भेड़ चाल चल रहा है, तो वो मेंढा आगे आगे चलता है, भेड़ उसके पीछे चलती हैं। उसी प्रकार के मेष राशि व्यक्ति हर काम में आगे आगे चलने वाला होता है और हमेशा कभी पीछे बीच में नहीं चलने वाला है। मेष राशि होगा तो जन समूह में जब चलेगा तो आगे आगे चलेगा, क्योंकि मेष यानी मेंढा मेंढे का स्वभाव होता है। मेंढे का एक स्वभाव तो ये हुआ, दूसरा मेंढे का स्वभाव हुआ कि मेंढा कभी किसी से डरता नहीं है, निर्भीक होता है यानी भय नहीं होता किसी प्रकार का, निडर और साहसी होता है। सामने से अगर शेर भी आ जाए तो भी उससे मुकाबला करने की क्षमता रखता है, वो अपना उसकी एक खोपड़ी बड़ी मजबूत होती, खोपड़ी से डरता है, उसका बड़ा सबसे बड़ा हथियार खोपड़ी होता है। इसलिए मेष राशि व्यक्ति की ये खोपड़ी मजबूत, खोपड़ी से ही काम करता है यानी दिमाग से काम करने वाला होता है। अच्छा, मेंढा अड़ियल होता है, जहाँ अड़ जाए वहाँ पर अड़ा रहता है। मेष राशि व्यक्ति भी ऐसे अड़ियल होते हैं, सबसे आगे चलना, अड़ियल होना इसके स्वभाव में होता है। ये कुछ स्वभाव तो मेंढे का आ गया इसमें मेष राशि वाले को। दूसरा, राशि भी प्रथम है मेष राशि, तो वो आगे तो रहेगी भाई, तो मेष राशि भी आगे की राशि इसलिए आगे रहेगी। अब राशि का जो स्वामी होता है वो मंगल होता है, कुछ स्वभाव इसका मंगल के समान हो जाता है। मंगल का क्या स्वभाव है, मंगल ग्रहों की जो मंत्रिमंडल है उसमें सेनापति होता है। मंगल का स्वभाव पूरा समझ लो आप, मंगल सेनापति है, जैसे अपनी सेना में जो सेनापति होता है तो उसी प्रकार का प्रधान होता है सेना में वो, तो पूरे मंत्रिमंडल में, ग्रहों के मंत्रिमंडल में उसी का ही प्रभाव। अब जो सेनापति होगा वो शक्तिशाली निश्चित होगा, शक्तिशाली होता है वो, और शक्ति जो है मंगल के द्वारा, जिस व्यक्ति के अंदर मंगल जितना बलवान होगा उसके अंदर सारी शक्ति भी उतनी ही होती है।
इसलिए मंगल का जो रुधिर यानी खून, और खून अच्छा रहता है तभी शक्ति आती है, इसलिए खून का यानी रक्त का वो कारक है, मंगल रक्त का कारक है और रक्त से ही शक्ति आती है, तो ये उसके अंदर आ गया। दूसरा मंगल का जो है सेनापति का क्या स्वभाव होता है, सबको अपने नियंत्रण में रखना, पूरी सेना को जैसे वो अपने नियंत्रण में रखता है, तो मंगल जिसका मजबूत होता है वो अपने अधिकार में सबको रखता है, चाहे वो अनुशासन के अधिकार में हो या प्रेम के द्वारा अनुशासन करे, लेकिन वो एक उसके अंदर हीन भावनाएं नहीं रहती हैं, कि वो सेनापति है, सेनापति में हीन भावना हो ही नहीं सकती हैं, सेनापति में अगर हीन भावना हो तो काहे का सेनापति। तो एक स्वभाव ये हो गया, सेनापति हमेशा उसमें क्रोध रहता है, उग्रता रहती है, अगर उग्रता ना हो क्रोध ना हो तो वो लड़ाई लड़ने की क्षमता ही नहीं रहती उसकी है? और झगड़ा करने में प्रवीण होता है, युद्ध का कारक होता है मंगल युद्ध का, तो उससे कोई पंगा ना ले क्योंकि वो सेनापति है। तो ये मंगल का कुछ स्वभाव आ गया इसके अंदर। अच्छा, अब जो मेष राशि है वो चर स्थिर द्वि स्वभाव, यानी चर मेष राशि वृषभ मिथुन, वृषभ चर स्थिर राशि हो गई और मिथुन हो गई द्वि स्वभाव, चर यानी चलायमान, ये चर राशि होती है मेष राशि, वो चरा चर यानी चलायमान, यानी कभी वो स्थिर नहीं बैठ पाता व्यक्ति, हमेशा चलायमान रहता है, चंचल प्रकृति का होता है, मानसिक रूप से शारीरिक रूप से वो चंचल होता है, चल राशि होने के कारण चल रहेगा। दूसरा अग्नि पृथ्वी वायु जल, ये अग्नि तत्व की राशि है, अग्नि पृथ्वी वायु जल, मेष राशि अग्नि और वृषभ राशि पृथ्वी, अग्नि पृथ्वी और मिथुन राशि वायु और कर्क राशि जल, तो ये क्या है तत्व कौन सा है इस मेष राशि का, अग्नि तत्व है, तो अग्नि का मतलब है ज्वलनशील होती है अग्नि, जहाँ जैसे खूंखार होती जल जला देती है किसी व्यक्ति को, सबसे ज़्यादा अगर भय लगता है अग्नि से लगता है, अग्नि किसी को किसी की सगी नहीं होती है, आप उसमें हाथ डालोगे तो जलेगा, तो इसी प्रकार से इस व्यक्ति से स्वयं वो पंगा नहीं लेता है, लेकिन अगर उससे पंगा लिया तो निश्चित है कि उसमें आवेश जल्दी आ जाता है, क्रोध उसमें जल्दी आता है, अग्नि जैसे ज्वलनशील होती है और उसमें क्रोध जल्दी आ जाता है, तो मेष राशि वाले को गुस्सा अधिक आता है, वो जल्दी आ जाता है, लेकिन क्षणिक रहता है, ज़्यादा समय टिकाऊ नहीं रहता, क्योंकि मेष राशि है ना पहली राशि है तो क्षणिक रहेगा, एक तो ये स्वभाव हो गया उसका। और जो सेनापति मंगल है वो उदार चित्त होता है, क्योंकि सेनापति में अगर उदारता ना रही तो, क्योंकि जिसमें शक्ति होती है वही उदार होता है। अच्छा, इस राशि पर जो सूर्य है वो उच्च राशि का हो जाता है, मेष राशि पर जब सूर्य होता है तो उच्च का कहलाता है। शरीर के अंदर जो मेष राशि यहाँ से प्रारंभ होती है सिर से, तो मेष ब्रैक ब्रैक मिथुन मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ और मीन, शरीर के अंदर शिरोभाग जो होता है वो मेष राशि का होता है। जब कभी मेष राशि का स्वामी तो मंगल हो गया, और सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है, सूर्य भी ग्रहों का राजा है, और ग्रहों का राजा तो एक नंबर का होता है, सेनापति मंगल है, राजा जो है सो सूर्य है, तो मेष राशि में ही उच्च का क्यों हुआ। मेष राशि ऊर्जा की प्रतीक है, शरीर के अंदर जो ऊर्जा शक्ति होती है वो सिर के ऊपर होती है, सिर के ऊपर ऊर्जा शक्ति होती है, इसलिए सूर्य है, एक तो ऊर्जा का कारक सूर्य,
और मेष राशि पे अगर बैठ जाए तो एक तो गर्म है ये भी और ऊर्जा शक्ति उसके अंदर ज़्यादा रहेगी और स्वभाव में एकदम हीनपन हीन भावनाएं नहीं रहेगी, एकदम स्वाभिमान रहेगा उसके अंदर, क्योंकि राजा में अथवा उसका जो स्वामी है मेष का मंगल, उन दोनों में सेनापति में, राजा में सेनापति में हीन भावनाएं नहीं आ सकती, उसमें रजोगुणी प्रवृत्ति होगी, वो एकदम जैसो तेजस्विता ऊर्जा शक्ति, उसका माथा भी धमकता हुआ रहेगा, निर्भीकता, आंखें बिल्कुल तनी तनाई बिल्कुल निर्भीक होकर के देखने वाला होगा, एकदम तेज तर्राट रहेगा। और ऐसे व्यक्ति को देख करके ही व्यक्ति प्रभावित हो जाता है, डरता नहीं है, वो प्रभावित हो जाता है और सामने वाले की शक्ति को पहचान लेते हुए, व्यक्ति एक व्यक्तित्व है और सामने वाला, अच्छा ये जो करेगा वो सही करेगा, कभी गलत नहीं करेगा, असत्य नहीं बोलेगा, क्योंकि असत्य तो कमजोर व्यक्ति बोलते हैं, जो भय रहता है जिनको बोलते हैं, जिसको भय नहीं है तो काय का असत्य बोलेगा। इसलिए मेष राशि व्यक्ति, अच्छा अब उसके अंदर मेष राशि चलायमान है, तो चलायमान है तो उसमें स्थिरता नहीं रहती, चलायमान यानी डोलता रहेगा हमेशा, और इसके अंदर साहस शक्ति जिसके अंदर उदार होता है, दूसरों के कल्याण करने में हमेशा परोपकार में रहते हैं, ऐसा व्यक्ति परोपकारी ज़्यादा होता है, अपना स्वयं का सर्वस्व छोड़ दे लेकिन दूसरे का ध्यान ज़्यादा रखता है, यानी ये जो मेष राशि वाले व्यक्ति और उसमें मंगल उसका स्वामी है, सूर्य अगर और बैठ जाए तो उसके अंदर स्वाभिमानी रहेगा और एकदम व्यक्तित्व उसका बहुत व्यवहार में ही उच्च कोटि का रहेगा, उसका प्रभाव जमता है, जो भी बात करेगा वो प्रभाव उत्पादक होगी, यानी उसकी प्रभाव में कोई कमी नहीं रहेगी, बात का एक धनी रहेगा। दूसरा उस व्यक्ति ये विश्वास पात्र भी होता है, क्योंकि इसमें वो छल कपट प्रपंच नहीं है, ये छल कपट प्रपंच, चोरी करना, हीन भावनाएं होना, ये सब कमजोर की ताकत होती है, कमजोर व्यक्ति होता है उसका काम होता है, तो अब इसमें जो है कोई किसी प्रकार की कमजोरी नहीं होती, इसलिए एक तो सत्यवक्ता होगा और निर्भीक होगा, साहसी होगा, दूसरों का कल्याण करने में आगे रहेगा, हमेशा चलायमान रहेगा और कोई भी कार्य तत्परता से करने वाला, पेंडिंग में नहीं डालेगा, आपने कहा यहाँ किया और वहाँ काम हो गया फटाफट, और मनोयोग से काम करने वाला, मन लगा के, एक तो मन उसका लगेगा तो बड़े पूरा जब तक कार्य नहीं होगा बीच में नहीं छोड़ेगा, तो मनोयोग से काम करने वाला होगा, इस प्रकार का मेष राशि का व्यक्ति होता है, ऐसा मैंने आपको आज। अच्छा दूसरा इसका खाद्य पदार्थ कैसा रहेगा, हमेशा मीठा ज़्यादा पसंद करेगा, वो मिष्टान्न भोजन बहुत प्रिय रहेगा और थोड़ा खाता है लेकिन क्वालिटी वाला खाने वाला, यानी थोड़ा खाएगा लेकिन क्वालिटी वाला होना चाहिए, मन उसके अंदर ऐसे नहीं कुछ भी खा लिया पेट भरने से काम नहीं, वो हमेशा क्वालिटी वाला और श्रृंगार प्रिय होगा, एकदम तेज तर्राट रहेगा, मान मर्यादा को रखने वाला होगा, दूसरों की इज्जत करने वाला होगा, और जब धर्म रक्षति रक्षता, हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा, हम दूसरे की इज्जत करेंगे तो हमारी इज्जत वो करेगा, तो अपना व्यवहार अपने ऊपर ही निर्भर करता है। इस प्रकार से मेष राशि का आज को स्वभाव और स्वरूप और प्रभाव आपको दर्शाया, इस प्रकार से आप इस व्यवहार को समझ लेंगे, ज्ञान प्राप्त करें, एक एक राशि का मैं रोज बताऊंगा, आप बड़े मनोयोग से समझ के इस वीडियो को आप संभाल करके रखें और हमेशा सुनते जाएं, और विशेष जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट है, उस वेबसाइट को खोल करके देखें, उसमें कई चीज़ें आपको मिल जाएंगी, वेबसाइट का नाम है jyotishsamadhan.co.in, ये खोल करके देखेंगे तो आपको कई चीज़ें और देखने को मिलेंगी, राशि भविष्य साप्ताहिक भी उसमें स्थायी रूप से मिलेगा। इस प्रकार से मैं आशा करता हूँ आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें, लाल बटन को दबाएं, जिससे कि मैं आपको आज से अच्छी एक चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, आप अपने स्वभाव को स्वयं समझें और दूसरे के स्वभाव को समझ के उससे व्यवहार कर सकते हैं, ऐसा कह करके मैं आज का विराम देता हूँ। हरिओम।